जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू कुक विद अनुसुया। तो फ्रेंड्स, आप लोग टोस्ट तो बहुत खाए होंगे, लेकिन एक बार मेरे तरह से टोस्ट बना के देखें। इसे हम ओट्स के आटे के साथ टोस्ट को बनाएंगे और ये बहुत ही हेल्दी होगा। और इससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को तो ज़रूर ही दबाएँ ताकि आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं इस हेल्दी से नाश्ते को कैसे बनाना है। टोस्ट को बनाने के लिए हमने 1 कप ओट्स का इस्तेमाल किया है और अब हम ओट्स को हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये ग्राइंडर जार में ले लेंगे और इसका हम फाइन पाउडर बना लेते हैं। अब हम ओट्स के आटे को एक बोल में ले लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले हम सॉल्ट टू टेस्ट डालेंगे। तो यहाँ पे हम 1 टीस्पून नमक डाल रहे हैं, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून ही हम यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे। इसके जगह पर आप चिल्ली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। और अब हम एक मीडियम साइज़ का प्याज लिए हैं जिसे हमने बारीक काट लिया है और ये हरी मिर्च है 2 से 3, इसे हम इसमें ऐड कर देंगे। और मिर्ची आप अपने हिसाब से डालें जितना ज़रूरत हो। और उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा धनिया पत्ती इसमें ऐड कर देंगे और ज़रूरत के अनुसार जितना पानी लगेगा हम उसका एक हम घोल बना लेंगे। तो इसी तरह से एक बार में पूरा पानी ना डालें, धीरे धीरे पानी डालकर घोल बना लें। और अब हम इसमें 1/2 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर डाल देंगे और 1/2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर। और इसे भी हम अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए हम ढककर छोड़ देंगे ताकि ओट्स फूल जाए। 10 मिनट के बाद ये देखिए एकदम परफेक्ट बैटर बनके तैयार हो गया है। एक बार इसे हम फिर से मिक्स कर देंगे और चलिए इसका हम टोस्ट बनाते हैं। टोस्ट को सेकने के लिए हमने तवा को गर्म कर लिया है और अब हम इसमें 2 चम्मच तेल को डालेंगे। और यहाँ पे हमने फ्लेम को मीडियम कर रखा है और एक बार हम तेल को स्प्रेड कर देंगे इस तरह से। और उसके बाद हम जो हमने बैटर बनाया था, ये देखिए इस तरह से बैटर को हम ले लेंगे और एक ब्रेड लेंगे। ये हम ब्राउन ब्रेड ले रहे हैं, ब्राउन ब्रेड की जगह पे आप वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। और बैटर में हम ब्रेड को कोट कर लेंगे और उसके बाद हम इसे सीधे तवा पे दे देंगे और 2 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 2 मिनट के बाद हमने टोस्ट को पलट दिया है और दोनों तरफ से हमने टोस्ट को पलट पलट कर सेक लिए हैं। और ये देखिए कितना अच्छा टोस्ट बना है, ये बहुत ही हेल्दी टोस्ट है, ये देखिए। और इसी तरह से हम दूसरे टोस्ट को भी हम सेक लेंगे। दूसरे टोस्ट को भी हमने सेम प्रोसेस से सेक लिया है दोनों तरफ से। तो चलिए इसे हम अब सर्व कर लेते हैं। गर्मा गर्म ओट्स का नाश्ता बन के तैयार हो गया है और ये बहुत ही हेल्दी है। एक बार इस आसान से रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और शाम के स्नैक्स में भी खा सकते हैं। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और वीडियो के इन तक ज़रूर देखें और कमेंट के ज़रिए हमें बताते रहें कि आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। धन्यवाद।